ਉਗਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਠੂ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠੂ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਪੜ ਮਾਰਿਆ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ अगर ये आप कहते हो कि अपने ऑफिस में अटैच करना वो सिर्फ ड्रामेबाजी है। पहले मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके जरिए ही हम गरीब लोगों की जो आवाज़ें हैं ऊपर तक पहुँचती हैं। आज का जो हमारा जहाँ पे आने का मकसद था वो यही मकसद था कि हमारे एक भाई के साथ तहसील सुंदरबनी में तहसीलदार ने बदतमीजी की और उनको थप्पड़ मार दिया। वो अपने किसी छोटे से काम के लिए आए थे, वो हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। हम 3 दिन पहले भी जहाँ पे आए थे सुंदरबनी में, डाकबल में इकट्ठे हो गए थे, तो हमें ADC से हमने 2 दिन का टाइम दिया था, लेकिन हमने 3 दिन तक ADC साहब का वेट किया और यही कि हमारा जो फैसला वो होना चाहिए, लेकिन 3 दिन तक भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ भी नहीं किया और हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। इसलिए आज हम दोबारा सुंदरबनी डाक बंगला में आए और जहाँ पे जब आने आके हमने देखा, ADC साहब से पूछा तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। हमारे बाबू राजेंद्र शर्मा DDC चेयरपर्सन ने DC साहब को फ़ोन लगवाया, लेकिन उनका फ़ोन DC साहब ने रिसीव नहीं किया, वो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए जब हमारे साथ ऐसा होगा तो हम डाक बंगले से बाहर निकल के हम रोड पर जाके बैठ के हमारी एक ही मांग थी कि ऐसे ऑफिसर हमको सुंदरबनी तहसील में नहीं चाहिए जो गरीब जनता के साथ बदतमीजी करें, जो उनके साथ इंसाफ ना करें, उनका अच्छा करने के बगैर जो उनका बुरा सोचें, उनको थप्पड़ मारें, ऐसा हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही हमारा आज का मकसद था। उसके बाद हम चौक में बैठे, चौक में जाने के बाद 1 घंटा हमारे उधर जो आपने प्रदर्शन किया, उसके बाद ADC साहब ने अभी आर्डर किया, अभी हमें यही उन्होंने बताया है कि अभी 5 दिन उनकी इंक्वायरी चल रही है, तब तक उनको वो ADC ऑफिस में अटैच कर रहे हैं और उसके बाद वो जहां से उनको कहां भेजेंगे हमें पता नहीं है। हम अभी भी आपके चैनल के माध्यम से यही एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं कि ऐसा तहसीलदार हमें सुंदरबनी में नहीं चाहिए। PRI की आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनकी अच्छे बेहतर ढंग से सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन को आपने आंखों से देखा, कानों से सुन लिया, आज क्यों नहीं? ये बात है बिल्कुल आपकी सही है, ये हमारे साथ हुआ है ऐसा ही, क्योंकि अगर हमने सुना है कि एक पंच और एक सरपंच उसके लिए गवर्नर के दरवाजे भी 24 घंटे के लिए खुले हैं, ऐसा जब हमें वहाँ पर कसम दी गई थी ऐसा वहाँ पे बोला गया था, लेकिन आज हमें बहुत दुख हो रहा है कि आज PRI की आवाज़ को दबाया जा रहा है। मैं जहाँ तक बात है कृष्ण लाल जी को थप्पड़ मारने की, वो बिल्कुल तहसीलदार द्वारा थप्पड़ मारा गया। उसके बाद हम वो लोग हैं जो प्रशासन को मानते हैं, कानून को मानते हैं, हमने ऐसा ही तय किया। हम ADC के पास पहुँचे, ADC साहब वहाँ पे नहीं थे, फिर कृष्ण जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके माध्यम से मैसेज पहुँचा जनता में। आज से 3 दिन पहले हम सब यहाँ इकट्ठे हुए और ADC साहब ने टाइम मांगा था कि हमसे कि हम अपना कल 12 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, अटैचमेंट कर रजौरी में इनकी और इंक्वायरी करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बावजूद कितनी PRI है हमारे पंच सरपंच DDC BDC और जितने भी सामाजिक लोग, एक विशेष रूप से मैं बोल सकता हूँ अपनी पॉलिटिक्स से छोड़कर, अपनी पार्टी छोड़कर, सब अपने समाज के लिए इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद जब जहाँ पर DDC साहब हमारे कॉल करते हैं, DC साहब को कॉल नहीं उठाते हैं और हमें मजबूरन रोड में बैठना पड़ा। हमने DDC साहब को सीधे बोला, यदि आप अभी जहाँ अंदर वापस कॉल करते हैं तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आप हमारे साथ बाहर चले चौक में। और DDC साहब ने भी युवाओं का समर्थन किया और चौक में गए, जो फिर उसका जो हल हुआ वो चौक में जाने के बाद हुआ। ये आपने देखा, यदि हम अंदर रहते आज भी हमें लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही थी, हमें लॉलीपॉप देकर यहाँ से ट्रक आकर भेज दिया जाए, मगर ऐसा हमने नहीं होने दिया। अब जो अगला कदम है, इंक्वायरी के बचे हैं 2 दिन, लेटर निकाले हो गए हैं, बचे सिर्फ 3 दिन। यदि 5 दिन के अंदर तहसीलदार सुंदरबनी जो इस समय है रविशंकर जी, उनको जहाँ से उठाकर रजौरी के अंदर नहीं लगाया जाता, यदि जहाँ रहते हैं बहुत ही उग्र रूप से प्रदर्शन होगा, उसके बाद कोई भी
हाथ भाई किसी युवक द्वारा या किसी विरोध द्वारा तहसीलदार साहब के साथ होती है या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के साथ, तो उसके जिम्मेवारी हमारी नहीं होगी, वो जिला प्रशासन की होगी। यदि उसके लिए हमें थानों में जाना पड़ा, थाने भरने पड़े, तहसीलदार ऑफिस का घेराव करना पड़ा, ADC का घेराव करना पड़ा, जरूरत पड़ी जहाँ से गाड़ियाँ भर भर कर रजौरी DC ऑफिस का घेराव करना पड़ा, हम वहाँ तक भी जाएंगे, मगर उस आदमी को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे जिन्होंने हमारे बुजुर्गों को थप्पड़ मारा हो। क्यों हम अपने बुजुर्गों को थप्पड़ मारने दें? क्या हमारे हाथ कटे हुए हैं, हमारी बाजू कटे हुए हैं? क्या हम गलत हैं? क्या हमारे बुजुर्ग कोई नशा कर रहे हैं या कोई धांधली का काम कर रहे हैं? जब हमारे बुजुर्ग अपने कार्य के लिए आते हैं जिनकी डॉक्यूमेंट जरूरत है जो तहसीलदार साहब ही दे सकते हैं, उसके लिए हमें थप्पड़ खाना पड़े तो बड़े दुख की बात है। ये हमारे लिए दुख की बात है, नौजवानों के लिए, ये जितना जो समाज है सबके लिए दुख की बात है। मगर मैंने 6 महीने से मैं इन सबको बोल रहा था, आप उन चेहरों को पहचानो जो दुगले रूप में चल रहे हैं, आज क्लियर हो गया। हर एक पार्टी का कार्यकर्ता मैं बोल सकता हूँ जहाँ होगा, मगर हर पार्टी के जो दुगले चेहरे थे वो जहाँ नहीं पहुँचे। अब उन दुगले चेहरों की पहचान करो, जब वो आपके पास आते उनको छितर मारकर घर से बाहर निकालो, मोहल्ले से बाहर निकालो, उनकी कोई जरूरत नहीं है। वो हमें अगर मसला फिर भी नहीं सुलझता है तो आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से क्या अपील करेंगे? आपको सभी जनता सुन रही है। सर, लेफ्टिनेंट गवर्नर से एक ही बात है, हम जहाँ पर ब्लॉक करेंगे तब तक नहीं खोलेंगे जब तक हमारे पास ट्रांसफर के ऑर्डर नहीं आएंगे, नहीं तो LG साहब को या मजबूरन डिपकॉम साहब को जाना पड़ेगा। अब हम DC साहब के आने से रोड खोलने वाले नहीं है। यदि अब रोड बंद कर दी ना, हमने जिला प्रशासन के इज्जत मान सम्मान कर लिया है, उनको 3 दिन दे दिए हैं। पिछले 4 दिनों में कुछ भी कार्रवाई नहीं हो सकी, केवल नाम मात्र, लोगों को धोखा दिया जा रहा था। आपको क्या लगता है कि प्रशासन किसी दबाव में है इसलिए कोई निर्णायक फैसला नहीं ले सकता? क्या जहां पर बाबूशाही राज ही रहेगा? देखिए, जो उन पर किसका प्रेशर है वो हम जानना भी नहीं चाहेंगे। लीडर से मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, लीडर से बड़ी जनता होती है, जनता ही लीडर तय करती है। हम उस लीडर को भाई 1 मिनट दीजिए मुझे, हम इकट्ठे होकर लीडर को ही खत्म कर दे, लीडर को ही जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे, फिर वो किसकी सुनवाई करेगा? वो सर तहसीलदार तो जाएगा, DC भी साथ उसके जाएगा। ऐसा करना पड़ा, डिप्टी कमिश्नर को भी हम जहाँ से उठवा देंगे। यदि वो सिर्फ जहाँ पर बैठा है कुछ एक दो लीडर को मिलने के लिए, कोई लीडर जहां प्रवास पे आता है तो उसके साथ वो स्पेशली मिलता है। बिल्कुल, ये बताओ तुम्हारी गल है, ये डिसाइड असली पोस्टर का मसला है, उसका जवाब दे, जवाब दे, क्या करना है? हां बस लेकिन अमरेश को बता रहा अपना कड़ा कोई रोको लगते तारीख पर तारीख सिंधी जोड़ा कर दो, बिल्कुल।